हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ सुपर टेस्टी माउथ वाटरिंग पनीर पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है, मेरे प्रोसीड्यूर फॉलो करके एक बार ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इधर मैं पराठा के लिए पहले ही आटा गूंथ के रखी हूँ। हाफ आटा, हाफ मैदा, एक चम्मच वाइट ऑयल, अजवाइन एंड नमक डाल के नॉर्मल जैसे रोटी या फिर पराठा का आटा गूंथते हैं वैसे ही आपको आटा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पनीर को हाथ से ही ऐसे स्क्रम्बल कर लिया हूँ। आप चाहो तो ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेटर से इसे ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से भी बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर मैं स्क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल दिया हूँ। उसके बाद इसमें चॉप्ड प्याज, फिर स्वाद के अनुसार नमक, आप चाहो तो धनिया पत्ता भी इधर डाल सकते हो, थोड़ा सा होल जीरा, हाफ टी स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला, फिर डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर एंड थोड़ा सा अमचूर पाउडर। धनिया पत्ता है तो आपके पास ज़रूर धनिया पत्ता ऐड करना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैं आटा का छोटा छोटा लोई बना लिया हूँ एंड एक लोई ले लूँगी। और इधर मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया हूँ, तो इसे सूखा आटा से डस्ट करके पहले हमें थोड़ा सा एक छोटा रोटी की तरह इसे बेल लेना है। तो इसे पहले मैं एक छोटा रोटी की तरह बेल लूँगी, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अभी मैं डाल दूँगी स्टफिंग, पनीर का जो स्टफिंग बना के रखी थी, और इसे हमें हाथ से अच्छे से सील कर देना है। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, तो ऐसे ही आपको इसे अच्छे से सील कर देना है ताकि ये बाहर स्टफिंग निकल ना जाए। फिर से ऊपर से हमें दोनों तरफ सूखा आटा डस्ट करके पहले मैं हाथ से ही थोड़ा सा इसे प्रेस कर दूंगी, फिर रोलिंग पिन के हेल्प से इसे हमें रोल कर लेना है। जैसे नॉर्मल आप रोटी चपाटी बनाते हो वैसे ही मैं इसे बेल लिया हूँ। तो इधर देख सकते हो मैं पराठा को बेल लिया हूँ और यहाँ पे मैं तवा गरम कर लेने के बाद उसके ऊपर पराठा डाल दिया हूँ और दोनों तरफ ही हमें अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बटर, आप बटर की जगह घी या फिर वाइट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मुझे पराठा ज़्यादा बटर या फिर घी से अच्छा लगता है, तो आज मैं बटर से ही बना रही हूँ, बटर से बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो दोनों साइड ही अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करके इसे सेक लेना है। तो एक साइड हो जाने के बाद मैं इसे फ्लिप कर दूंगी और दोनों साइड ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हमें इसे सेक लेना है। तो इधर एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है। सेम प्रोसीड्योर में मैं बाकी पराठा भी बना लूंगी। तो गाइस, मेरे चैनल में इससे पहले भी मैं कई तरह की स्टफ्ड पराठा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि आलू पराठा, प्याज पराठा हो गया, मसाला लच्छा पराठा, आप ज़रूर वो चेक करना। एंड या मेरे प्रोसीड्योर फॉलो करके ये पनीर पराठा एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मुलाकात होगा आपसे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।